आज हम लोग इस तरह का रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें वैल्यू दिया हुआ रहता है, कोड दिया हुआ रहता है और हम लोगों को एक कोई वैल्यू दे देगा, कोई वर्ड दे देगा और उसका कोड पूछेगा कि क्या होगा। जैसे कि पहला नंबर में क्वेश्चन में दिख रहा है कि क्लर्क का एक कोड दिया गया है 19 और मैनेजर का कोड है 25, तो पूछ रहा है कि डायरेक्टर का क्या कोड हो सकता है। इसमें हम लोगों को 5 ऑप्शन दिया गया है, पहला 21, फिर 12, 5, 16 एंड 8। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का एक हम लोगों का एक जरिया होता है, उस जरिया को हम लोग जानते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले क्लर्क में देखा जाए सी एल ई आर और के, इसका जो वैल्यू है वो है 19। तो इसका जो वैल्यू है 19 किस वजह से आया है, इसका आखिर सेटिंग कैसा है, तो वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे कि 19 दिया हुआ है जिसको हम लोग सेट करते हैं किसी तरह से, जैसे कि दिख रहा है कि इसमें टोटल वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 कैरेक्टर से बना हुआ है क्लर्क। तो 5 हमको किसी भी हाल में क्या लाना है, 19 लाना है, सेट करना है। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि 19 के करीब हो जाए, जैसे 5 3 15, अगर 5 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 हो जाता है, जो वैल्यू दिया गया है कोड उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग 5 3 15 देखते हैं कि मेरा कितना आ गया 15। अब 19 में घट कितना रहा है 4, तो यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया वैल्यू 19। अब हम लोग इसी तरह से इसका एक फॉर्मूला बना लिए हैं कि क्लर्क में जो वैल्यू दिया गया 19 वो कैसे आया है। तो सबसे पहले डिजिट कोड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 4, ये कोड से देख रहे हैं कि दूसरा सेट हो रहा है या नहीं। जैसे कि अगला दिया हुआ है मैनेजर, तो मैनेजर का जो वैल्यू है वो है 25, देख रहे हैं कि इस हिसाब से जो हम लोग सेट किए हैं उसमें ये सेट हो रहा है या नहीं। तो एम मैनेजर में टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेटर है, डिजिट कोड तो हो गया। कितना मल्टीप्लाई करना है 3, तो 7 3 21 प्लस 4 कितना आ गया 25, यानी कि ये जो हम लोग सेट किए हैं वो दोनों में सेट हो चुका है, इट मीन्स हम लोग का सेटिंग सही है। तो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन का क्या होगा, इसका क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं डायरेक्टर में टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 24, फिर प्लस कर देंगे 4, तो 24 + 4 = 28, अब हम लोग का आंसर है 28। देखते हैं 28 ऑप्शन है या नहीं, तो हमारे ख्याल से 28 ऑप्शन नहीं है। तो ये इस तरह से सेट नहीं होगा, किसी और तरह से सेटिंग होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सेटिंग किस तरह से दिया हुआ है। तो क्लर्क जो वैल्यू दिया हुआ है 19, अब हम लोग यहाँ पर ABCD लिख लिए हैं, हर एक का नंबरिंग क्या है वो हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू है 3, एल का वैल्यू कितना है 12, ई का वैल्यू कितना है 5, है ना, ई का वैल्यू 5, सबको ऐड करके देखते हैं, आर का वैल्यू कितना है 18, के का वैल्यू कितना है 11। तो क्या सबको ऐड करने पर वो कोड 19 हम लोगों को मिल रहा है क्या, नहीं, उससे कहीं ज्यादा मिल जा रहा है। तो आखिर ये 19 आया तो आया कैसे, तो इसका क्या सेटिंग है, चलिए जानते हैं। तो किसको किसको ऐड करने पर मेरा 19 आ रहा है, 5 + 3 = 8 और 11 3 और 5, यानी L और R को हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्यों, कुछ देखने को मिल रहा है क्या कुछ सेटिंग? हाँ, यहाँ पर एक सेटिंग मिल रहा है कि 3 जो है ना वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 का टेबल में जाता हो और खुद से जाता हो, और उसके अलावा वो किसी भी चीज़ से डिविजिबल नहीं। 5 भी, इसका डिविजिबिलिटी 1 और 5 है, यानी ये भी प्राइम नंबर है। 11, ये भी इसका 1 से डिवाइड होगा और 11 से होगा खुद से, तो ये भी प्राइम नंबर है। हाँ, अब 18 और 12 क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। यानी जो क्लर्क का जो वैल्यू है 19 वो कहाँ से आया है, सारे प्राइम नंबर का एडिशन, है ना, प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 19 के बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग ये दूसरा सेटिंग निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि मैनेजर का जो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैनेजर का भी हम लोग लिख लेते हैं। मैनेजर एम ए एन ए जी ई आर, तो सारे प्राइम नंबर को हम लोग ऐड कर रहे थे,
देख रहे हैं इसमें सेटिंग हो रहा है, यानी एम का कितना है 13, ए का कितना है 1, एन का कितना है 14, ए का 1, जी का कितना है, जी का वैल्यू 7 है, ई का वैल्यू कितना है 5 है, और आर का कितना है 18, है ना। अब इनमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है, क्या 13 प्राइम नंबर है क्या? हाँ ये प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो डिवाइड होता है 1 से होता है और खुद से होता है, यानी एक ही नंबर हम लोग को मिल रहा है। प्राइम नंबर वो होता है जो दो अलग अलग सेपरेट वैल्यू हो, और एक 1 से जाना चाहिए और एक खुद से जाना चाहिए, यहाँ 1 और खुद से एक ही नंबर आ रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 यस ये प्राइम नंबर है, 5 ये भी प्राइम नंबर है। क्या सारे प्राइम नंबर को ऐड करने पर 25 वैल्यू आ रहा है क्या? 13 प्लस 7 कितना हो गया 20, और 5 25 यस ये सही है। यहाँ तक हम लोगों का सेटिंग कामयाब रहा। अब हम लोग डायरेक्टर का देखते हैं कि क्या कोड हो सकता है। तो डायरेक्टर का भी लिख लेते हैं, डी आई आर ई सी टी ओ आर। डी कितना है, डी का नंबरिंग है 4, आई का कितना है 9, आर का कोड कितना है, आर का 18, ई का 5, सी का 3, टी का कितना है 20, ओ का कितना है 15, और आर का कितना है 18। सारे प्राइम नंबर को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा प्राइम नंबर है। एक तो ई है प्राइम नंबर, और एक 3 है प्राइम नंबर, और भी कोई है क्या? नहीं। तो 5 प्लस 3 सारे प्राइम नंबर को ऐड करने पर कितना आएगा आंसर? 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही दिख रहा है, यानी 8 होगा मैनेजर का कोड। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि उसका सेटिंग किस तरह से दिया गया है। क्वालिटी का वैल्यू दिया गया है 60। फिर से हम लोग लिख लेते हैं पी ओ एल आई टी वाई। पी का वैल्यू कितना है? पी का हमारा वैल्यू है 16। ओ का वैल्यू है 15। एल का वैल्यू कितना है? एल का है 12। आई का वैल्यू है 9। एंड टी का वैल्यू है 20। एंड वाई का वैल्यू जो है, वाई का वैल्यू कितना है? 25। तो कौन कौन सा वैल्यू को ऐड करेंगे कि 60 के बराबर आ रहा है, है ना। क्वालिटी का वैल्यू दिया गया है 60। तो 60 जो है, एक अगर 15 को ऐड करते हैं देखिए, ये सब वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 60 आ जा रहा है हमारा। बाकी अगर हम लोग ये सब को ऐड करेंगे, किसी भी कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, तो 60 नहीं आएगा। तो आखिर यही तीनों को ऐड करने पर 60 क्यों आ रहा है, आखिर इनमें क्या राज छिपा हुआ है? तो बताते हैं, ये जो 15 नंबर है ना, वो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5, है ना, डिविजिबल बाई 5। ये 20 भी डिविजिबल बाई 5 है, और ये 25 भी डिविजिबल बाई 5 है। सारे जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारा 60 के बराबर आ जा रहा है। अब अगला हम लोग चेक कर लेते हैं ऑफिसर का। ऑफिसर ओ एफ एफ आई सी ई आर, सबका कोड कर लेते हैं कोडिंग, क्या इससे सेट हो रहा है या नहीं। ओ का वैल्यू कितना होगा 15, एफ का कितना होगा 6, फिर एफ का 6, आई का कितना हो जाएगा हमारा, आई का कोड कितना है जी एच आई 9, सी का कितना है 3, ई का 5, और आर का कितना होगा 18। अब इसमें देख रहे हैं कि सारा 5 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, एक ये और एक ये, यानी 15 प्लस 5 क्या 20 है कोड? यस, ऑफिसर का कोड कितना है 20, यानी जो हम लोग यहाँ तक जो सेट किए हैं वो दोनों में कामयाब रहा। अब देखना चाह रहे हैं कि तीसरा नंबर का ऑप्शन आंसर जो आएगा वो ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो सही है, और अगर नहीं होगा तो भी सही, हम लोग सेटिंग कर चुके थे तो दूसरा सेटिंग में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं, गवर्नमेंट जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी। तो जी का वैल्यू कितना होगा? जी का वैल्यू है 7, ओ का है 15, ई का है 22, ई का 5, आर का है 18, एन का वैल्यू है हमारा
40, m का वैल्यू है 30, e का 5, n का वैल्यू है 40, t का वैल्यू कितना है, t का है 20। तो सारे 5 का कौन कौन से डिवाइड हो रहा है, 50, 5, फिर 5, फिर 20। सारे नंबर को ऐड करके देखते हैं, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25 और 20 45। क्या 45 ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर सी में 45 है, यानी हम लोग जो भी आंसर निकाले हैं वो सही है, परफेक्ट। तो गाइस इस तरह से हम लोग कोई भी कोडिंग डिकोडिंग को सबसे पहले बनाने का तरीका क्या होता है, ए बी सी डी का हम लोग सारा नंबरिंग कर लेंगे और फिर देखेंगे कि उसका किस हिसाब से सेट किया होगा। फिर हम लोग अगर एक सेटिंग निकालनी है तो दूसरे को चेक करेंगे, दूसरे का भी अगर बराबर हो गया तो तीसरा का देखेंगे। कभी कभार ये होता है कि हम लोग पूरा सही चल जाते हैं, 1 2 दोनों सेट हो जाता है, लेकिन तीसरा नंबर में ऑप्शन वो रहता ही नहीं, तो हम लोगों को वहाँ पर फिर से मेहनत करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका कोई दूसरा सेटिंग और क्या है। गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, थैंक यू।